हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शरद। एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं जो व्हाइट सीमेंट होता है, व्हाइट सीमेंट फ्रेंड्स कहाँ से लेना है और इसका क्या प्राइस है, कितना क्वांटिटी का हिसाब से वो मिलता है फ्रेंड्स, और उसको बाथरूम में जो फ्लोर टाइल्स होता है उसको कैसे अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, क्या होता है ना, बाथरूम का अंदर जो टाइल्स का जो गैप होता है, या तो कॉर्नर साइड में होने दो चाहे बीच में होने दो, जहाँ जहाँ टाइल्स का जॉइंट का जो गैप होता है फ्रेंड्स, वो गैप अगर सीमेंट चला गया फ्रेंड्स, ये पानी लीकेज होना शुरू हो जाता है। क्योंकि देखिए, पाइपलाइन का जो फिटिंग है, पाइपलाइन में सभी लगा रहता है, और जो टाइल्स गैप में जो फिटिंग है, जो गैप है, उसमें अगर पानी अंदर गया तो फ्रेंड्स फ्लोरिंग को वेट करेगा। और दूसरा चीज़, जो फ्लोर बाथरूम का चारों तरफ का जो दीवार लगा हुआ है, चाहे बेडरूम में होने दो चाहे हॉल होने दो, जहाँ भी आपका बाथरूम है, बाथरूम का वॉल जहाँ जहाँ टच है वो सब भी 1 फीट का हाइट तक वो सब भी पपड़ी निकलता है और वेट कर देता है फ्रेंड्स। उसको अगर ऐसा नहीं होना बोले तो आपको हर बार देखना पड़ेगा, जहाँ बाथरूम का फ्लोर टाइल्स है तो अगर फ्लोरिंग में चला गया व्हाइट सीमेंट चला गया, तो आपको उस व्हाइट सीमेंट रीफिलिंग करना पड़ेगा फ्रेंड्स। उसका क्या प्रोसेस है, कैसे उसको मिलाना है, और वो व्हाइट सीमेंट के साथ क्या मिलाना है जिसके वजह से ज़्यादा दिन तक रहे अगर व्हाइट सीमेंट ना निकले, और फ्रेंड्स इसका पूरा प्रोसेस क्या है, मैंने ऑलरेडी एक बाथरूम में फिलिंग करा के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स। देखिए, ये मैंने एक व्हाइट सीमेंट पैकेट लिया, ये जेके व्हाइट सीमेंट, चाहे तो आपने जेके व्हाइट सीमेंट या तो बिरला व्हाइट सीमेंट ले सकते हो। ये 1 kg आता है, 35 rupees kg है ये पैकेट 1 kg का आता है। इससे ज़्यादा चाहिए तो 5 kg का भी मिलता है फ्रेंड्स। अभी मैंने देखिए एक व्हाइट सीमेंट का पैकेट लिया है। अभी मैंने फ्रेंड्स, आप चाहे तो एक पॉलीथीन कवर में भी मिला सकते हो, लेकिन मैंने एक बकेट का कवर जो ढक्कन लिया हूँ, चाहे तो कोई भी सीमेंट का कढ़ाई में भी कर सकते हो। आपको ऐसी तरह का व्हाइट सीमेंट ले लेना है पहले, ड्राई वाला। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा गैप है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा सीमेंट ले रहा हूँ फ्रेंड्स। ये खाली व्हाइट सीमेंट को मिलाए तो ये थोड़ा सा निकल जाएगा, जिसके वजह से जो यहाँ पे टाइल्स का गैप को जो भरेंगे ये निकल जाएगा। इसके लिए फ्रेंड्स मैंने एक ग्राउट का एक लिक्विड लिया हूँ, जो कि व्हाइट सीमेंट के साथ मिलाना पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ग्राउट एडमिक्स का एडमिक्स प्लस, ये जो लिक्विड है, आप ये लिक्विड को व्हाइट सीमेंट में मिलाना पड़ेगा पानी का साथ है, तब जाके ये सीमेंट जो आप अप्लाई करेंगे ये अच्छा से पकड़ेगा और निकलेगा नहीं, ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा। इसलिए खाली व्हाइट सीमेंट में क्या होता है, हम लोग कभी कभी वॉश करते हैं बाथरूम को, एसिड वॉश होता है, कभी कभी हार्पिक वर्पिक डालते हैं, जिसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसलिए आपको इसको थोड़ा मिक्स कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल दूध की तरह तो होता है, ये लिक्विड वाटरप्रूफ का जैसा है वो, और उसके साथ आपको पानी मिलाना है, पानी मिला के मिक्स करना है। चलिए इसको मैं पहले मिक्स करता हूँ फ्रेंड्स। ये व्हाइट सीमेंट लेने का टाइम में आपको एक पोटी ब्लेड ले लेना, क्योंकि जो टाइल्स का गैप को भरने के लिए पोटी ब्लेड की जरूरत है। और फ्रेंड्स, अगर कहीं फिंगर में आप जो साइड को भरोगे तो एक फिंगर्स ले लेना है। देखिए मैंने फिंगर्स लिया हूँ, ये सिर्फ कितना है, 20 रुपये का है, 5 फिंगर को आ जाता है। आपको 5 फिंगर को भी जरूरत नहीं, 2 ही फिंगर डाले तो काफ़ी है। फिर इसको सीमेंट को मिक्स कर देना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा सा मीडियम रखना है, ताकि हमारा टाइल्स का अंदर जैसे जाएगा ठीक से। ज़्यादा टाइट कर दिया तो ये थोड़ा सा ठीक से नहीं जाएगा, बिल्कुल टाइट का अंदर जैसे जाएगा इसी तरह का हमारे को करना है। इसको थोड़ा सा अच्छा से सीमेंट को मिला देना है फ्रेंड्स। ये चाहे तो आप घर में आराम से लेके कर सकते हो, जब भी बाथरूम का टाइल्स का गैप, आप कभी भी बाथरूम को चेक करते रहिए, ये जो गैप है, ये गैप अगर सीमेंट नहीं दिखाई दिया, ब्लैक ब्लैक दिखाई दिया, तो इसका अंदर जो पानी जाएगा नीचे, उसको पानी बाहर जाने के लिए नहीं है, वही आपका जो मैंने दिखाया दीवार सभी खराब करता है। इसीलिए कभी भी बाथरूम में देखो, यूज़ करने का टाइम है, अगर सीमेंट कहीं चला गया तो उसको तुरंत भरने की कोशिश करिए। अगर उसको नहीं भरेंगे, उसको पानी जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है,
वो सिर्फ नीचे ज़्यादा से ज़्यादा वेट होने के बाद वो सभी वॉल को ख़राब करता है। देखिए फ्रेंड्स, ये अभी मैंने मिक्स कर दिया। फर्स्ट मैंने क्या करूँगा, साइड को पहले फिलिंग कर दूंगा, उसके बाद जाके टाइल्स के गैप को मरेंगे। फ्रेंड्स, पहले इसको आपको फिंगर से ही साइड को मारना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पत्ती ब्लेड में नहीं मार सकते। आपको कभी भी आपको लगाने का टाइम है, थोड़ा सा फिनिशिंग करके लगाइए, इधर उधर मत मारिए, क्योंकि जितना आप फिनिशिंग में रखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा क्लीनिंग के लिए। देखिए, इसी तरह का आपको भरना पड़ेगा, जो ये साइड साइड में इस तरह का पूरा भरना पड़ेगा। जितना साइड है पहले मैं भर देता हूँ, पहले साइड को भर देता हूँ, उसके बाद सेंटर में कैसे लगाना है पत्ती ब्लेड में वो आपको मैं दिखाता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये अभी साइड साइड में मैंने पूरा इसी तरह का आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि साइड में पट्टी ब्लेड में नहीं भर सकते, इसलिए इसको फिंगर से ही भरना पड़ेगा फ्रेंड्स। और ये जो इंडियन टॉयलेट है, टॉयलेट प्लस टाइल्स का जो ये गैप है, ये बहुत ज़्यादा गैप है ना, इसका अंदर भी इसी पट्टी ब्लेड में भरना पड़ेगा इसी तरह। अगर नहीं भरे तो इसका गैप में जो पानी जाएगा वो सभी सभी नीचे जाना शुरू कर देगा। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल आपको पट्टी ब्लेड में फिनिशिंग करके भरना है। फ्रेंड्स याद रखना, आप जितना फिनिशिंग करके भरोगे आपको क्लीनिंग में इतना इजी होगा, नहीं तो इधर उधर डाल के ऐसे नहीं लगाना है, आपको थोड़ा सा फिनिशिंग करके भरना है ताकि क्लीनिंग में भी इजी होना। इसी तरह का मैं चारों तरफ भर देता हूँ। ये साइड साइड होने के बाद फिर आपको क्या करना है, पट्टी ब्लेड में इसका जो टाइल्स का गैप है ऐसे भरना है इसको। जितने सारे टाइल्स का गैप है सभी गैप में आपको इसको इस तरह का पैक करना पड़ेगा। देखिए, इसी तरह का जितना टाइल्स का गैप है सब भी आपको पैक करना पड़ेगा, क्योंकि पट्टी ब्लेड में आपने पतला पतला करके भरे तो सीधा अंदर तक जाएगा। चलिए मैंने इसको पूरे भर देता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, फिर इसको क्लीनिंग कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी जो चारों तरफ देखा, डोर का स्टेप का पास भी, जो कॉर्नर कॉर्नर साइड में सभी जगह में इसी तरह का आपको भर देना पड़ेगा। फ्रेंड्स ये देखिए, जितना टाइल्स गया सभी भर दिए। फ्रेंड्स इसको भरने के बाद फिर आपको आधा घंटा छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह का जो साइड साइड में जो व्हाइट व्हाइट का दिख रहा है, थोड़ा सा आधा घंटा के बाद है फिर आपको कपड़े में क्लीन करना पड़ेगा। फ्रेंड्स अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये पूरा ऐसे ही बैठ जाएगा, हम कपड़े में थोड़ा सा क्लीन कर दिया तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा बाथरूम। चलिए इसको आधा घंटा होने के बाद मैं इसको क्लीन करके फिर दिखाता हूँ आपको बाथरूम। इसी तरह का कपड़े में साफ करें तो ये साफ हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा रुक के कपड़े में साफ करना है, अगर ये ड्राई हो गया तो साफ होना मुश्किल है। इसलिए आपको जब भी व्हाइट सीमेंट अप्लाई करते हो आधा घंटे के बाद तुरंत उसको एक कपड़े में साफ कर दो। अगर कपड़े में सूखा कपड़ा में साफ नहीं हुआ, थोड़ा सा गीला करके साफ करो।